नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस आज पहली बार पटना रहे हैं। इस वक्त हम लोजपा कार्यालय के बाहर है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोजपा कार्यालय को पोस्टरों से सजा दिया गया। हम आपको तस्वीरें पीछे की भी दिखाएंगे, जिस तरीके से लोजपा कार्यालय के आसपास का जो इलाका है उसको पूरे तरीके से पोस्टरों से सजा दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो पोस्टर हैं। अगर आप पटना के किसी भी सड़कों पर जाएंगे तो आपको बस केवल और केवल पशुपति पारस ही नज़र आएंगे, क्योंकि पशुपति पारस के ही तस्वीरें पोस्टरों में जो तमाम पटना की सड़कें हैं वहां पर पोस्टर्स जो हैं वो लगा दिए गए। यहां पर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत में आए, हम कार्यकर्ताओं से ही बातचीत करेंगे किस तरीके से स्वागत की तैयारी की जा रही है पशुपति पारस के। केंद्र में मंत्री बने हैं, पहली बार आज पटना आ रहे हैं केंद्र में मंत्री बनने के बाद। सबसे पहले आपका चैनल का हम धन्यवाद देता हूं, और आज खुशी का लहर है और मंत्री बनने के बाद उनका हम लोग स्वागत में लगे हुए हैं। हम खगड़िया जिला से आए हैं, दुलारचंद पासवान मेरा नाम है, संसद प्रतिनिधि गोगरी अनुमंडल के हैं, दलित सेना के प्रदेश महासचिव हुए हैं, और हम लोग पूरे दल बल के साथ उनका स्वागत में आए हुए हैं। तमाम जिले का लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग स्वागत के लिए पूरे पटना को आए हुए से सजा दिया गया। और पूरे पटना को हम लोग जो है उनका स्वागत के लिए पोस्टर बैनर से सब सजाए हुए हैं। अब पूरे तमाम जिला से आए हुए हैं कार्यकर्ता, हम लोग उनका स्वागत के लिए एयरपोर्ट से पार्टी ऑफिस तक हम लोग लगे हुए हैं। पूरे इस मीडिया के चैनल से हम लोग आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वच्छ छवि का नेता है, बहुत ईमानदार नेता हैं पारस पासवान पशुपति कुमार पारस जी, और इनके विचार से जितने भी कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं। इसमें कोई दाग नहीं लगे हैं इनके प्रति, कहीं कोई अथी नहीं है, और स्वच्छ छवि का नेता है। मतलब केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद पूरा खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, पहले से भी हम लोग खुश हैं, एक बारी नहीं दो बारी तीन बारी मंत्री बन चुके हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनका स्वच्छ छवि है और बहुत ईमानदार नेता हैं। खगड़िया जिला के लिए धरती पुत्र अलौली से हैं और खगड़िया जिला का लाल हैं। हाथों में पूरा फूल उल लेकर खड़े हैं, मतलब किस तरीके से स्वागत करना है? स्वागत पूरा बिहार का गरीब जनता करने के लिए आ रहा है। आज पूरी बिहार आ रही है, पूरी बिहार की जनता, गरीब जनता इनके स्वागत में आज की खड़ा है। यहाँ से हाजीपुर तक आप देखेंगे रोड के किनारे में, इसी मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता रोड किनारे अपने चाहता नेता के स्वागत में खड़े हैं। मतलब कार्यकर्ताओं का कहना है कि हजारों लाखों कार्यकर्ता जो है वो पशुपति पारस के स्वागत में आज यहाँ पहुँचेंगे, और हाजीपुर वो अपने संसदीय क्षेत्र जाने वाले हैं। यहाँ पहुँचने के बाद तो वहाँ निकलेंगे तो जो लोग हैं उनका हुजूम लगा रहेगा, जो भीड़ है वो लगा रहेगा। तो तस्वीरें हम आपको लोजपा कार्यालय के बाहर से दिखा रहे थे किस तरीके से पूरे कार्यालय को सजा दिया गया है पोस्टरों से। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लोजपा कार्यालय के बाहर से, आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताएं भी जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, उनका गाड़ियां जो हैं यहां पर लगे हैं, सभी गाड़ियों पर पशुपति कुमार पारस के फोटो लगाए जा रहे हैं। हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।